पंजाबी गर्ल दुबई ब्लॉग और जाए इसके चैनल पे, इसको जाके जरा सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें इसको। इसका भी बहुत बहुत अच्छे खाने बनाती है। और आए चले आपको इसका घर की सेटिंग, वो तो देखो उधर देखो कितना प्यारा है। इसने क्या ईगल है, ईगल है क्या है? वही लग रहा ये क्या वॉशरूम है इधर? ये वॉशरूम। अच्छा अच्छा, वो भी वॉशरूम है। अच्छा दोनों वॉशरूम है, दो वॉशरूम है। अच्छा पास आती है और ये है वॉशरूम है थोड़ा। अच्छा ठीक है, ये देखो माशाल्लाह कितनी सफाई पसंद है, साफ सुथरा उसने रखा है। अभी ये दरअसल अनमैरिड है और इसकी सफाई देखो कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब बहुत मजा आया था घर देख के, बहुत अच्छा लगा, बहुत नाइस है, साफ सुथरा, बहुत अच्छा। हर चीज उसने करीने से रखी है, सिलाई मशीन भी रखी है। तो मैं सारी क्रेडिट जाता है इसकी मामा को, जिन्होंने इसको ये तरबियत दी है। हाँ। ये बाइक का व्यू है, कौन ही नजर आता शहर इधर दिखा, खोले खोले मामा, नहीं नीचे खोले, नहीं वो तो नीचे खोलूंगा, खोल क्यों नहीं रही, लॉक है। नहीं सारा ये क्या रोला बाजार है ना सारा? नहीं नहीं जमजम है ये पार्क, ये अरेबियन गल्फ स्ट्रीट। हाँ, और ये देखिए सामने सारा ये समंदर, समंदर यूएई के नज़ारे देखिए, बाहर गर्मी अंदर ठंड, और अंदर अंदर अच्छा मौसम, बाहर गर्मी, बाहर खड़ा ही नहीं हुआ जाता। ये बना रहे हैं जी आपको पंजाबी आलू टिक्की। अच्छा, वो जो तूने अपने उस पे डाली थी? हाँ, जड़ी में वीडियो पंजाबी का भी ब्लॉग पे पाई हुई है। और इधर भी कुछ हाफ डन करके रखा हुआ है, हाफ डन करके रखे हुए हैं अपा गोभी के पकौड़े। ओके, और ये क्या? ये रखे हुए अपा पनीर के पकौड़े। और ये बनाया अपा ब्रेड, मेहनत की है सुबह से तूने बहुत। इधर बनाया हुआ अपा कस्टर्ड। ओके, इधर बिल्कुल रेडी स्टाइल बनाए हुए हैं छोले। हाँ लग रहे हैं, कसम से बड़े अच्छे मजे के लग रहे हैं। इतना आप बनावांगे भटूरे, भटूरे का आटा बना के रखा हुआ है। ओके चलो ये खाते हैं फिर। आटा भी रेडी है इधर, आप ना भटूरे का आटा बना के रखा हुआ है। चलो तुम अब टेबल भी लगाओ तो फिर हम वीडियो बनाते हैं। साथ मजेदार सी आलू की, आलू की टिक्कियां ये जो बिहाइंड पीछे मेरे बैठे हैं ना सब, सब खाने के लिए बिताव है। सब बहुत खाने के लिए बिताव है। क्या कितना खिलाना है हमें? इधर बच्चे बनाए जी अपन चने बिल्कुल देसी स्टाइल रेडी बन, और हमारे पाकिस्तानियों के छोले भटूरे। इधर बच्चे बनाए अपन रायता, रायता किस चीज का? बच्चे आप पाया प्याज वगैरह, ओके ओके, जीरा भून के, ठीक है, खीरा वगैरह, ठीक है। आगे अपन सैलेड जैसे अभी मैंने दिखाया मामा सब चने और भटूरे सब दिखाया, मैंने कहा आप भी बता दें आप खाने। अब मैं लेट गई थी थोड़ी देर, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, और थोड़े से अभी गुंजाइश तो वैसे है नहीं, इतना कुछ खाया था इतना कुछ खाया था। चलो ये बाहर से मंगवाया? खुद नहीं, खुद बनाया उसने अभी। अच्छा, तो मूवी बनाई थी? हाँ जी मैंने बनाई थी, लेकिन फ्राई करते नहीं बनाई, मैं बना के आती हूँ। बहुत अच्छी आप कर लेना, कितना अच्छा फूल रहा है, पूरा फूल जाएगा। वाओ वाओ वेरी गुड।
इसकी ना ये ट्रिकी है घुमाना ना थोड़ा सा बस। नहीं बेलना भी तो एक ट्रिकी है उसका, सब कुछ बेलना होता है वैसे पंजाबी गल दुबई दी है भटूरे ये कैसे बनाया मनप्रीत किसका है मैदे का ये मैदा ते सूजी नु मिक्स करके हूं तो मैं दिखाया था अपने व्लॉग में अपने में नहीं दिखाया आज वीडियो नहीं बनाई टाइम नहीं लगा मेरा इसके पास मेरे तो तस्वीर बना ले ट्री के पास इस वक्त हूँ मैं किचन में और आज आपके लिए रेस्टोरेंट वाली लेके आई हूँ मटका चाय। फाइनली मटका चाय हमने बनाने लगे हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत मजा आएगा। मैंने कहा आजकल हम घर में हैं तो आपको घर में रेसिपी दें। ये देखें आपने ये हमारे पास मटके भी हैं छोटे, ये मैं मटके लाई हूँ दो। ये है छोटी इलायची इसको ना कूट के मतलब खोल के तोड़ के, हाँ तोड़ के। ये हाफ है सौंफ, सौंफ हाफ टीस्पून, ठीक है टीस्पून सौंफ और दो छोटे छोटे सिनेमन के पीस और ये एक कप चाय इसको ऑन कर दो। और आपने देचकी भी गर्म करने के लिए रख दी है और आप बस दो देचकियां रख दें। अभी हमने तो यही रखी है और खाली रखनी है, खाली रखनी है और ये अभी ये डेढ़ मिनट तक ना आपने डाल के ये बिस्मिल्लाह रखना ये सारा तुम पहले बना ले। अब इसको डेढ़ मिनट के लिए आपने इसकी पिक्चर खींची है लगाने के लिए, इसको डेढ़ मिनट पकने के लिए सिर्फ डेढ़ मिनट के लिए करनी है। ये डेढ़ मिनट पकानी है, थोड़ी सी चूल्हे फ्लेम को स्लो कर दो। हाँ सही तरह पके ये हो गया डेढ़ मिनट। डरा क्यों रही है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है पूरे घर में फैली हुई है। कावा खुशबू है। हाँ कावा ऐसे बनता है, मैं कावे बच्चों को जब लेती थी। डेढ़ मिनट पूरा हो गया, चेक किया जी। वन टेबल स्पून चाय की पत्ती और इसको आपने डालना है जब तक चाय की पत्ती पक जाए। प्यारा कलर है। ये जो चाय की पत्ती है आपने अपने कप के हिसाब से बनाने, जैसे हम लोग दो कप बना रहे हैं। अगर चार कप बनाने हैं तो आप अपने हिसाब से डालें जी, चार कप जितने आपने कप बनाने हैं तो अपने हिसाब से डालेंगे। ये आपने दूध डालना है, आपने तो मटके की अगर मुझे कम लगा तो मैं थोड़ा और भी डाल सकती हूं। आपकी मर्जी है, ये आपका मर्जी है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने मटके के हिसाब से डाल रहे हैं, हमने दो बनाने तो हम दो कप डालेंगे दूध के। ये हमारी ये देखें व्यूअर्स कितनी प्यारी मसाला खुशबू निकली है। आपको घर बैठे मटका चाय की रेसिपी दे दिया और आप बनाए। अब हम डाल रहे दूध, बिस्मिल डाल रहे हैं। ये देखिए आपको जैसे हमने कहा मटके के हिसाब से जितना हमने तो ये हलीम डाला है जो आपकी चो ये अब डाल रही है नाना दूध प्यारा कलर है इसमें। मटका चाय आपकी नानी की रेसिपी है, नानी की रेसिपी। ये देखे माहम भी आई थी, माहम पता नहीं नानी की रेसिपी पसंद करेगी या नहीं करेगी। माहमी फिर हम एक और थोड़ा सा और फिर हमने डाल दिए दूध। अब इसको हमने पकने देना हल्की हल्की आंच कर दी। मैं वीवर थोड़ी शुगर भूल गई थी, जब पत्ती डालते हैं ना उसके साथ भी शुगर डाल, लेकिन आप अभी भी डाल सकते हैं। और अब शुगर तो हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाले, आप अपने टेस्ट के साथ दूध डाल लें, शहद डाल लें अपने टेस्ट के हिसाब से, वाइट शुगर डालें आपकी मर्जी। लेकिन वाइट शुगर आपको पता पॉइजन है, वाइट शुगर हम खुद यूज़ नहीं करते। क्या है पॉइजन? पॉइजन है। और ये हम तो ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हैं। वन टेबल स्पून डालेंगे? नहीं ये आप लोग टेस्ट पीते हो ना तो मैं टू टेबल स्पून और फिर भी वैसे भी ये ब्राउन शुगर जो है ना फीकी होती है, अच्छा लग रहा है, फीकी होती है। तीन डाल दो इसमें। नहीं नहीं ये अब पत्ती स्ट्रेन करके हमने एक जार में डाल दिया, ठीक है।
और ये आपने आपको बताया था कि ये पूरा गर्म हो रहा है, इसके अंदर मटका रखेंगे और इसमें हम अपनी चाय डालेंगे। और चाय नीचे बाहर गिर सकती है, बाहर गिरनी चाहिए चाय। ये देखिए उबाल आ रहा है, और डाल पूरा डाल दे, बाहर आना चाहिए, आना चाहिए बाहर। मटका थोड़ा, चाय थोड़ी सी बाहर आने दिया करें ताकि फ्लेवर आए, इसकी खुशबू आनी है ना। ये देखिए मटका चाय, फिर दोबारा डालने के। अब नाना निकालेंगे चाय को और हम पियेंगे मजेदार सा मटका चाय। और नहीं ये हमारी मटका चाय, अभी थोड़ा सा साफ करके आपको दिखाते हैं। ये हमारी मटका चाय, अभी थोड़ा सा साफ करके आपको दिखाते हैं। ट्राई कर रही है, गर्म नहीं आई? नहीं नहीं, ठंडी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह करके पियो, कैसी नानों ने बनाई है, अभी आई फर्स्ट टाइम ट्राई की है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप ट्राई करें, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं कि कैसी बनी है, अच्छी बनी। अगर आपने शुगर और डाल लिया तो डाल लो, मुझे तो सही लगा। ये सब चीज़ें जो है ना, ये मेरी बेटियों की मेहनत है, मेरी नवासियों की मेहनत है, इनकी दुआओं से। पर पता क्या, मैंने बताया था 1.3 होए किस पे है? हाँ, होए पंजीरी पे, पंजीरी पे। और पता क्या, मैं एक दिन सोई सोई कहती थी कभी मैं उठूँ तो मेरी मूवी पे ना 1 लाख के आए। तो कसम से मैं अल्लाह के सदके जाऊँ, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ जितना अल्लाह मेरी सुनता है। और मैं जब उठी, वाकई मेरी बेटी ने देखा तो कहती है आपकी वीडियो पे तो 1K है। मैंने कहा वाह अल्लाह मियाँ तेरा लाख लाख शुक्र है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अपनी 1K की खुशी में मैं खाती हूँ बिस्मिल्लाह। ये yeah!